गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 11 का एक टॉपिक कर रहे हैं पैराबोला। पैराबोला का सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पैराबोला का इक्वेशन किस तरीके से है, पैराबोला किस तरीके से फॉर्म होता है, ये तो हमने पढ़ा था। पैराबोला का इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, दैट मींस इसमें फोर टाइप से पैराबोला का इक्वेशन होते हैं। फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y square equal to 4ax इसका जो इक्वेशन होगा वो किस तरीके से, जो इसका डायग्राम बनता है वो डायग्राम ये इस तरीके से डायग्राम बनेगा। y square equal to 4ax, that means x के इसका एक्सिस क्या है, x एक्सिस है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन, ये क्या है 4ax, that means ये क्या होगा पॉजिटिव डायरेक्शन। ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स, और जस्ट इसके पहले, दैट मींस इसके जितने डिस्टेंस पे फोकस होता है, यहाँ पे क्या होता है फोकस, फोकस यहाँ पे होता है, और इसका जितना डिस्टेंस है, दैट मींस वो जो डिस्टेंस क्या होता है a जीरो, ये जितने डिस्टेंस पे इधर होता है सेम उतने ही डिस्टेंस पे एक पैराबोला का लाइन होता है जिसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ये क्या है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स है, और इसका जो इक्वेशन होता है डायरेक्ट्रिक्स का एक्स इक्वल टू, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये क्या है जस्ट इक्वल टू, दैट मींस माइनस, तो इस तरीके से ये होता है डायरेक्ट्रिक्स, और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं, ये फोकस, फोकस से यहाँ से जो डिस्टेंस होता है, दैट मींस फोकस से इसका और इसका जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस टू ए एंड ये डिस्टेंस टू ए होता है, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम बोलते हैं इसको। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अगर हम लोग बोले दैट मींस ए बी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो कितना हो जाएगा 2a + 2a 4a के इक्वल होगा ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी, ये तो क्या हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए, ऐसे ही सेकंड y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, ये माइनस 4ax यहां से एक्सिस तो बता रहा है x एक्सिस पे होगा, बट इसका डायरेक्शन किस साइड होगा नेगेटिव के साइड, दैट मींस यहां पे जो पैराबोला बनेगा वो किस तरीके का होगा, इस तरीके का पैराबोला होगा ये, और यहां से पूरे सेम ऐसे ही हम लोग इसे सभी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सम, और इधर क्या होगा इसके डायरेक्ट प्लेस होगा, तो ये y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax का होगा, इसमें भी उसी तरीके से ये पूरा हम लोग बताएंगे। अब थर्ड जो इसका है, थर्ड ये तो अभी x एक्सिस पे था, दोनों x एक्सिस पे था, अभी हम लोग अगर y एक्सिस पे, दैट मींस x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इस तरीके से लेते हैं, ये किस पे है y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे किस तरीके से बनेगा, और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, दैट मींस इस तरीके से हमारा क्या बनेगा पैराबोला फॉर्म, पैराबोला होगा और ये उसका डायरेक्ट्रिक्स होगा, फोकस होगा, तो ये क्या हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अब y सॉरी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, अब x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, एक और होता है 4 x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, तो x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay होगा, इस कंडीशन में क्या बनेगा नेगेटिव, y में किस साइड नेगेटिव डायरेक्शन में, दैट मींस पहला वाला हमारा इस तरीके से, तो इस तरीके से हम लोग पूरे पैराबोला के इक्वेशन बनाएंगे, और इस इक्वेशन से कभी हमको फोकस फाइंड करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है, वो सब किस तरीके से फाइंड सकते हैं ये हम लोग देखते हैं। एक इक्वेशन से देख रहे हैं एज इट इज, सभी इक्वेशन के लिए वैसे होगा, बस उसमें साइन चेंज हो सकता है, एक्सिस चेंज हो सकता है। सबसे पहले हम लोग y square equal to 4ax के लिए, y square equal to 4ax, तो इसमें सबसे पहले हम लोग वर्टेक्स पे, वर्टेक्स क्या है यहाँ पे, वर्टेक्स अगर हम लोग बोलेंगे दैट मीन्स ये दोनों किस पॉइंट पे, वर्टेक्स किस, वर्टेक्स हमने देखा था कि वर्टेक्स को छोड़ते हैं, तो इसका जो वर्टेक्स इस लाइन का वर्टेक्स होगा वो क्या होगा 0 0। अब यही लाइन हम लोग थोड़ा सा ऐसा देखते हैं y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax,
हो जे एक्स माइनस एच। तो इस समय एच, ये एच हम बोल रहे हैं, इस समय जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स एच एंड के, इस समय वर्टेक्स क्या होगा, एच के, दैट मींस यहां वर्टेक्स चेंज हो गया, तो यहां वर्टेक्स क्या होगा, एच है, बट यहां पे वर्टेक्स क्या है, जीरो जीरो। सेकंड फोकस हम लोग देखते हैं कि उसका फोकस क्या होगा, तो इसका फोकस क्या होगा, ए, फोकस ए जीरो, दैट मींस फोकस को हम लोग कोऑर्डिनेट के रूप में बताते हैं, तो इसका फोकस क्या होगा, ए जीरो। थर्ड, अब यहाँ पे हम लोग फोकस के बाद डायरेक्ट्रिक्स देखते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, तो डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस ए, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इक्वल टू माइनस ए, इसके लिए क्योंकि जस्ट उसके अपोजिट में बनता है, तो x इक्वल टू माइनस ए क्या होगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा। अब फोर्थ, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, दैट मींस वो किस एक्सिस से बन रहा है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो कौन सा एक्सिस पे बन रहा है, ये हम लोग को देखना है। तो एक्सिस क्या होता है, ये कौन सा एक्सिस पे बन रहा है, एक्स एक्सिस, अगर ये माइनस में जाएगा तो भी किस एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस, तो इसका एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस। लास्ट हम लोग को देखना है लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर, लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर, तो लेटेस्ट वेक्टर का लेंथ क्या होगा, 4a, दैट मींस जो हमने देखा था डायग्राम में, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर का ऐसा कहते हैं 4, दैट मींस a का 4 टाइम्स होगा, तब वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर। इस तरीके से ये था प्रीवियस सेशन को, जो भी वैल्यू फाइंड करना है वो फाइंड करेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ऐसे ही ये तो हमने इक्वेशन के लिए किया, चारों इक्वेशन के लिए ऐसे फार्मूला बनाए जा सकते हैं, बस साइन में चेंज होगा और एक्सेस में चेंज होगा। तो हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 11.2 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 11.2, एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन गिवन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 टू 6, पूरे 1 टू 6 क्वेश्चन में हमको ये बताना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, फोकस का कोऑर्डिनेट बताना है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का एक्सिस क्या होगा वो बताना है, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बताना है, एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट वेक्टर, लेटेस्ट वेक्टर का लेंथ बताना है, ये सब चीज बताना है। तो हम लोग इसके दो क्वेश्चन के लिए करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए करते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 12x, y स्क्वायर इक्वल टू 12x, ये तो इक्वेशन हम लोग को गिवन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख के उससे कंपेयर करेंगे, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो यहाँ से 4a कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, तो 4a इक्वल टू 12, दैट मीन्स a इक्वल टू 12.4, दैट मींस a इक्वल टू 3, a इक्वल टू क्या मिला हमें, 3 मिला। अब हम लोग को एक चीज क्या क्या फाइंड करना है वो देखते हैं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस क्या होता है, इसके लिए a 0, दैट मींस a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू क्या है 3, उसका कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें, 3 0। नेक्स्ट हमें बताना है एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो पैराबोला का एक्सिस क्या होगा ये हम लोग देखते हैं, y square equal to 4ax के फॉर्म में, दैट मींस इट इज एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्या बताना है, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर इस नंबर पर सकता है करता है x equal to इसके लिए minus a x equal to minus a implies that x equal to a की में कुछ नहीं है फिर जाने से x equal to minus a और क्या बताना है length of latest sector length of latest sector that means latest sector का length क्या होगा तो latest sector का length कितना रहेगा 4 that means 4 into 3 that means 12 तो इस तरीके से आपने दोनों को सेंटर में बताना है दोनों को सेंटर अब ऐसे ही हम लोग इधर 7 से 12 तक के पूरे क्वेश्चन का क्या फाइंड करना है इक्वेशन फाइंड करना है तो हम लोग इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का इक्वेशन किस तरीके से होता है दैट मींस जो कंडीशन हमें गिवन है वो कंडीशन क्या होना चाहिए सेटिस्फाई होना चाहिए उस इक्वेशन से तो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हम लोग इक्वेशन बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 के आपने गिवन है वर्टेक्स हमें गिवन है 0 0 क्वेश्चन नंबर 11 वर्टेक्स का गिवन है 0 0 वर्टेक्स होना चाहिए मैक्स पासिंग थ्रू 2 3 टू थ्री से पास होना चाहिए पासिंग थ्रू टू थ्री से पास होना चाहिए and axis is along x axis axis ka kya karna axis is along x axis x axis along hona chahiye to x axis ka hamare paas kya hai do equation hai y square equal to 4ax and y square equal to minus 4ax to dono ke liye hum log dekh sakte hain na तो हम लोग पासिंग थ्रू के अकॉर्डिंग लेते हुए वैल्यू दोनों में सेम एक ही इक्वेशन आएगा दोनों में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो इसका वर्टेक्स क्या है 0 0 दैट इज फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वर्टेक्स एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस अलोंग x एक्सिस होना चाहिए तो ये जो हमने इक्वेशन लिखा है ये इसके अलोंग का x एक्सिस अब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई है एक कंडीशन पासिंग थ्रू 2 3 टू थ्री से पास होना चाहिए तो पासिंग थ्रू हम लोग लेते हैं पासिंग थ्रू 2 3 से पास कर लेते हैं तो यहाँ से एक ही वैल्यू आएगी दैट मीन्स 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 3 स्क्वायर दैट मीन्स 9 इक्वल टू 8 ए तो एक ही वैल्यू क्या आएगी 9/8 9/8 ए इक्वल तो यहाँ से ए हमको मिल गया इक्वल टू 9/8 ये इक्वेशन 1 था इसमें हम लोग पुट कर देंगे from equation 1 equation 1 से हम लोग ले रहे हैं y square equal to 4ax that means y square equal to 4 into 8 के लिए हम लोग हम लोग ये 8 into x 4x 2 जब that means y square equal to 9/2 ये equation होगा ये equation of line equation of parabola होगा तो ये तीनों कंडीशन इसी तरीके से हम लोग को और भी क्वेश्चन बनाना है पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप बनाएंगे अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं थैंक यू